ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। सरकार ने छोटे शहरों नूं हवाई रूट नाल जोड़न दी स्कीम उड़ान लॉन्च की है। उम्मीद की जा रही है कि इस योजना के तहत पहली फ्लाइट जनवरी में उड़ेगी। इस 500 किलोमीटर तक की दूरी का किराया 2500 रुपये होगा। इस सारे टैक्स शामिल हैं। उन्होंने बड़ा क्रांतिकारी कदम जो लिया है रीजनल एविएशन के लिए उड़ान के द्वारा, कि इसमें बहुत सारी नई एयरलाइंस आएंगी, बहुत सारे जो आज के समय एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है वो भी इसका फ़ायदा लेंगी। अच्छी पहल सरकार ने की है। बहुत ही आवश्यक है कि छोटे एयरपोर्ट से में कनेक्टिविटी हो, और भारत में जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको, जो छोटे शहरों में टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में रहते, उनको भी हवाई सेवा का आनंद मिले। उड़ान स्कीम का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इसके जरिए आम लोगों को सस्ते हवाई सफर मुहैया कराने के मकसद से लॉन्च किया गया। उड़ान के तहत फ्लाइट की 50% सीट मार्केट रेट से बेची जा सकती है। स्कीम लागू करने के लिए देश के वख-वख हिस्सों में 30 एयरपोर्ट तैयार ने। अगले कुछ सालों में 50 से 75 नवे एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत जोड़े जाएंगे। नवे एयरपोर्ट जुड़ने से एयर ट्रैफिक में भारी वाधा होगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।